दोस्तों हम मोबाइल स्क्रीन में आ गए हैं। आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको cowin.gov.in पे क्लिक कर देना है। आपको इस टैब की साइट खुल जाएगी। आपको सबसे पहले अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है जैसे मैं डाल दिया हूँ, और आपको एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई के लिए OTP आएगी और उस OTP को देख लेना है क्या है। 74081 89 और नौ और वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करने के बाद आपके जो यहाँ पे ऐड होंगे वो आ जाएंगे। जैसे आप जब शुरू में अकाउंट खोलेंगे तो आपको कोई ऐड नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक से किसी से भी कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड से आप करेंगे तो आधार कार्ड डाल देंगे, आधार कार्ड में जो नाम है सेम वो डाल देंगे, मेल कर देंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर सन है वो डाल देंगे बस। उसके बाद ऐड में क्लिक कर देंगे और ऐड में क्लिक करने के बाद बैक क्यों नहीं हो रहा है, ऐड में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह आ जाएगा। जैसे मेरे में है राजू सिंह राणा, और जैसे स्लॉट ओपन होगी आपको पहले डॉस के लिए इसमें क्लिक कर देंगे और आपको जहाँ करना है पिन डाल सकते हैं या आप स्टेट वाइज भी चुन सकते हैं। जैसे मैं पिन डाल देता हूँ 24 31 22 और सर्च कर देता हूँ, और आपको कितने साल की लगाना है उस हिसाब से कर लेंगे। जैसे मुझे 18 साल से ऊपर के लिए चाहिए, तो 18 साल में अभी हुआ नहीं है, स्लॉट खुला नहीं है। वेट, चलो स्टेट वाइज करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में क्लिक करना है, आपकी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है उसे एक कर लेना है। जैसे मेरी बरेली है, मैंने बरेली कर लिया उत्तर प्रदेश और बरेली के लिए, और सर्च पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने वैक्सीन आ जाएंगे। अभी देखो 45 साल वाली, जो 45 साल से ऊपर है उनके लिए दिख रही हैं, और अभी 18 में क्लिक कर देंगे। नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग, अभी आपको नहीं हो रहा है। दोस्तों वैक्सीन आ चुकी हैं, देखो दोस्तों अपडेट हो गई हैं, लेकिन अभी सारी नहीं दिखा रही। हमें रेलवे हॉस्पिटल करना है, लेकिन अभी रेलवे हॉस्पिटल का नहीं दिखा रहा है, शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, जैसे मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है 24 31 22, और अभी हमारे रेलवे हॉस्पिटल इज्जत नगर पे वैक्सीन आ चुकी हैं, और मुझे अभी 5 तारीख का वैक्सीन बुक करना है। दोस्तों हमें 5 तारीख की बुक करना है, तो देख सकते हैं हम 5 तारीख में 270 वैक्सीन है, हमने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किस टाइम में करना चाहते हैं उस टाइम को आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे 12 से 1 के बीच में करना है, तो मैंने 12 से 1 के बीच टाइम को सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी कोड दिखेगा दोस्तों, उस कोड को डाल देना है। दोस्तों जैसे ये करेक्टर दिख रहे हैं स्मॉल कैपिटल, आपको ये डाल देना है, और डालने के बाद आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वैक्सीन बुक हो जाएगी दोस्तों।